ये है वो छोटा सा टेडी बियर जो मैंने आज से 1.5 साल पहले दिया था काजू को गिफ्ट में। हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज लक्ष्मण भाटी एंड यू आर वॉचिंग भाटी ब्लॉग। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। लेट हो गया थोड़ा सा, सुबह नहीं कर पाया। सुबह मैं डायरेक्ट ऑफिस चला गया था। घर पे फिलहाल कोई नहीं है, मैं अभी आगे लगाऊँ। अभी कपड़े भी नहीं निकाले मैंने, भूख भी लगी हुई है। अभी अभी आगे लगाऊँ मैं घर। तो अभी थोड़ा सा, भैया अभी ऑफिस से आया नहीं है, भैया भी ड्यूटी गया हुआ है। मैं जल्दी आई है, भाभी अपने घर पे गई हुई है, मम्मी पापा गए हुए हैं काजू को लेके। उसकी तबीयत खराब हो गई है और थोड़ा सा पेन बता रही थी वो, तो वो दवाई लेके आएगी और मम्मी पापा तभी आएंगे। अभी मैं घर पर अकेला हूँ और ब्लॉग ऑफिस से आगे मन कर रहा था ब्लॉग शूट करने का, तो मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ अभी। तो सब करते हैं, जनरली सब करते हैं ब्लॉग शूट सुबह सुबह, और मैं कर रहा हूँ शाम को। बट कोई नहीं, अब शाम को टाइम मिला तो अभी कर लेंगे। और तो भाई ड्यूटी के साथ साथ खेत का काम भी करवाता हूँ मैं। धरती पुत्र है हम, जॉब भी करते हैं साथ के साथ, पढ़ाई भी करी, जॉब भी कर रहे हैं, और खेत का काम भी कल करवाऊंगा मैं। कोशिश मेरी यही रहेगी कि हो सकता है कल भी मैं ब्लॉग शूट करूँ खेत का। गायब हो गया, सर्दी लग रही है इसका कान, ये काम नहीं कर रहा। बाकी ये तो ठीक ठाक काम कर रहा है, एक इसकी यहाँ के धर चली गई है पता नहीं कहाँ। ये मैं काजू के लिए फोन लेने गया था, तो उस समय मुझे ये पसंद आ गया। मैं पापा के लिए ले आया, लेकिन पापा इसको यूज ही नहीं करते। कहता है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा ये इसका, ये जो फोल्डेबल फोन है ये उनको पसंद ही नहीं आया। बहुत कम चलाते हैं वो इसको, ये घर पे ही पड़ा रहता है। ये यहाँ पे हीटर रखा हुआ है, यहाँ मेरा ऑफिस का लंच रखा हुआ है, आज मैं लेके नहीं गया, मैं ये ऐसा ही रखा है यहाँ पे। और कुछ ये ऐसा व्यू है, मैं आपके लिए ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, अपने पुराने वाले फोन से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं आपके लिए, नए वाले। ये है वो छोटा सा टेडी बियर जो मैंने आज से 1.5 साल पहले दिया था काजू को गिफ्ट में। गोप्रो लेने की सोच रहा हूँ, गोप्रो लूंगा। और अब चलते हैं किचन में, मुझे लग रही है खा लेते हैं। फिर इसमें आपको मैं अपना एक ब्लॉग दिखाऊंगा जो मैंने अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे। ये भैया वाली गाड़ी है, मेरी वाली गाड़ी पापा लेके गए। ये वेन्यू 2019 मॉडल है, ये पेट्रोल में और मेरी वाली डीजल में, दोनों ही वेन्यू है। और मैंने ये भी चलाई है, मैं इसको केदारनाथ तक भी लेके गया हूँ, बाबा के दर्शन भी करके आए थे। फिर उसके बाद तुंगनाथ भी गया था मैं इसको लेके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ में। और जो वेन्यू डीजल में है मेरी, वो उसका भी अच्छा एक्सपीरियंस है, उसका भी डिटेल में बनाऊंगा मैं अभी। ये यहीं खड़ी रहती है और वो दूसरी वाली यहाँ पे खड़ी रहती है। और ये ट्रैक्टर है, ये पापा का सबसे लक्की, पापा इसको लक्की चीजों में से मानते हैं, पापा का सब फैमिली के लिए ही लक्की है। इसके बहुत, इसके साथ में 7 ट्रैक्टर आए थे, 7 के 7 बिक चुके हैं, ये अकेला है। और कई बार पापा को ऑफर भी आए हैं इसको, बट ये पापा ने बेका ही नहीं है। तो गाइस अब एंट्री मार दी है किचन में, देखते हैं क्या है। अभी भूख तो बहुत तेज लग रही है। घर पे मम्मी क्या बना के गई है, काजू ने तो क्या ही बनाया होगा आज, उसकी तबीयत ठीक नहीं है पूरे दिन और इसलिए वो दवाई लेने गई है। घर वालों के सामने व्लॉग बनाने में थोड़ा सा अभी हिचकिचाहट होती है, इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं। अकेले में व्लॉग बना लेता हूँ मैं, और कहीं दूर जगह घूमने जाता हूँ तब तो व्लॉग बना लेता हूँ, पर घर वालों के सामने व्लॉग नहीं बना पाता, बहुत ऑकवर्ड फील होता है। बट कोई नहीं, धीरे 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 उनके सामने भी व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देंगे। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ऐसा लग रहा है बहुत प्यारा सा। बाहर की साइड में देखने में बहुत प्यारा सा, जब मैंने एक काटा तो देखो ये कैसा निकल रहा है। ये आजकल मैं जितने भी सेब लेके आ रहा हूँ ना, सब में ये दिक्कत आ रही है। सेब जब भी लो तो कटवा के ले लेना भाई, चेक करने लेना वहां, कटवा के देख के लेना, ये वाली प्रॉब्लम आ रही है सेब में। शायद कुछ लोगों को ये ब्लॉग अजीब लग रहा होगा, और स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है यार, मन करता है ब्लॉग बनाने का। और हफ्ते में एक दिन मिलता है, संडे मिलता है मुझे ब्लॉग शूट करने के लिए। अब उस संडे में या कुछ भी, या तो काम कर लो, अगर पापा ने कोई काम बता दिया तो वो काम करना होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरे संडे में कोई ब्लॉग शूट करता ही नहीं हूं मैं।
बाकी मंडे टू सैटरडे मेरा ऑफिस होता है। मैं कई जगह जाने का प्लान बनाया गाइज मैंने बहुत, तो इसमें चलाते हैं। सबसे ज्यादा वीडियो पे व्यू है, सबसे ज्यादा जो इस पे सबसे ज्यादा आप लोगों को पसंद आया था, क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने ये रखा है कि 2017 में बंदी की उम्र 18 साल हो जानी चाहिए, उसके बाद में उसको मुआवजा मिल जाएगा। वेलकम बैक अनदर ब्लॉग, दिस इज ब्लॉग नंबर 11। आज के ब्लॉग में भाई आज के ब्लॉग में बस इतना ही, बाकी इसमें कुछ बाकी आप बताना इसमें क्या पसंद आया आपको क्या नहीं, और जो अच्छा लगा तब भी बताना, नहीं लगा तब भी बताना, जो अच्छा नहीं लगा वो बताना फिर वो मैं दिखाना बंद कर दूंगा, और जो अच्छा लगा वो भी बताना फिर उसके ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा मैं भाई। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर और मम्मी पापा की रेस्पेक्ट करते रहें। मम्मी टाटा।